अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोमॉर्फिज्म। लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स, देन अ मैपिंग फाइव जी टू जी डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी टू जी डैश। इफ फॉर एनी जी वन जी टू बिलोंग टू जी सच दैट फाइव ऑफ जी वन ऑपरेटर जी टू इज इक्वल टू फाइव ऑफ जी वन ऑपरेटर फाइव ऑफ जी टू। यानी हमने दो ग्रुप लिए हैं, एक जी है और एक जी डैश है जिसके ऊपर सेम ऑपरेटर यूज हुआ है। एक हम मैपिंग डिफाइंड करते हैं फाइ जो जी से जी डैश में है, तो इसको हम होमोमॉर्फिज्म तब कहेंगे जब फाइ ऑफ जी वन ऑपरेटर जो यहाँ पे यूज हुए हैं उसके मुताबिक फाइ ऑफ जी वन जी टू इज इक्वल टू फाइ ऑफ जी वन फाइ ऑफ जी टू। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ए मैपिंग फाइ जी टू ई वेयर जी इज सेट ऑफ इंटीजर एंड ई इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर एंड डिफाइंड एज फाइ ऑफ एन इज इक्वल टू टू है। यानी हमने एक फाइ डिफाइंड किया हुआ है जिसमें जी क्या है इंटीजर्स हैं और वो मैपिंग जो है जी टू ई है, ई क्या है इवन इंटीजर है जिसको हम टू एन कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। फर्स्ट वी प्रूव दैट फाइ इज होमोमॉर्फिज्म अंडर एडिशन आर नॉट। फॉर दिस वी लेट एन वन एन टू बिलोंग टू जी, देन फाइ ऑफ एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू टू एन टू एन वन प्लस एन टू, देन फाइ ऑफ एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू टू एन वन प्लस टू एन टू। यानी टू को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो हमने फाइ डिफाइन किया हुआ है उसके मुताबिक 2n1 is equal to phi of n1 and 2n2 is equal to phi of 2n2. लिहाजा phi of n1 plus n2 is equal to phi of n1 plus phi of n2. Hence phi जो है वो होमोमॉर्फिज्म है अंडर एडिशन। Now in case of multiplication phi of n1 and 2 is equal to 2n1 and 2. Phi of n1 and 2 is not equal to 2n1 dot 2n two and it is not equal to phi of 1 dot phi of n 2. Here we note that phi is not homomorphism under multiplication. तो इससे ये साबित होता है कि phi जो है multiplication के लिहाज से तो homomorphism नहीं है, अलबत्ता addition के लिहाज से homomorphism है। अब homomorphism की तीन किस्में होती हैं, वो mapping के लिहाज से है। If the mapping phi is onto or surjective then homomorphism is called epimorphism. If the mapping phi is one to one or injective then homomorphism is called monomorphism. If the mapping phi is bijective then homomorphism is called isomorphism. अब हम homomorphism से related एक theorem prove करते हैं जिसकी statement है the homomorphism image phi of G of a group G is itself a ग्रुप। यानी होमोमॉर्फिज्म के अंदर जो इमेज है फाइ ऑफ जी किसी भी ग्रुप जी का तो वो इमेज भी क्या है एक ग्रुप है। तो इसको हम सेटिस्फाई करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। वी सपोज दैट जी इज ए ग्रुप एंड फाइ ऑफ जी इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी एंड ग्रुप जी डैश अंडर फाइ विद सम अलजेब्रिक ऑपरेशन। वी प्रूव दैट फाइ ऑफ जी इज अ ग्रुप। फॉर दिस वी प्रूव दैट फाइ ऑफ जी जो है सेटिस्फाई ऑल द एग्जाम्स ऑफ ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। इसके लिए वी लेट फाइ ऑफ जी वन फाइ ऑफ जी टू फाइ ऑफ जी थ्री बिलोंग टू फाइ ऑफ जी, देन फाइ ऑफ जी वन डॉट phi of g2 is equal to phi of g1 g2 since phi is homomorphism. क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि phi of g1 g2 is equal to phi of g1 phi of g2. If g1 g2 is equal to g3 then we can write phi of g1 dot phi of g2 is equal to phi of g3. और हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है कि phi of g3 जो है वो बिलोंग करता है phi of g को, लिहाजा phi of g3 belong to phi of g, thus phi is
closed. Now we prove the associative property. Since phi is homomorphism, so for any phi of g1, phi of g2, phi of g3 belong to phi of g, we can write phi of g1 dot, इनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, phi of g2 dot phi of g3 is equal to phi of g1 into phi of g2 g3. क्योंकि हमने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि phi of g2 dot phi of g3 is equal to phi of g2 g3. Similarly, वही कंडीशन इस पे लगेगी तो ये आएगा phi of g1 g2 g3. अब हम होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है उसको रिवर्स करते हैं. अब जो g1 g2 है उसको हम इनक्लोज्ड कर लेते हैं phi of g1 g2 dot phi of g3. सिमिलरली चूंकि phi जो है वो होमोमॉर्फिक है इसलिए phi of g1 dot phi of g2 enclosed dot phi of g3, hence associative property hold in phi of g. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी की, if E is identity in G, then phi of E is identity in phi of G. Because for any phi of G belong to phi of G, phi of E dot phi of G is equal to phi of E dot G. ये भी चूंकि homomorphic है phi, इसलिए इसको हम E dot G लिख सकते हैं, which is equal to phi G. क्योंकि identity element है G का, G भी इस G का element है, तो फिर ये phi of G आ जाएगा. तो लिहाजा ये जो phi of E था ये क्या है, identity element है phi of G का, hence identity exists in phi of G. Now for inverse, if phi of G belong to phi of G, then phi of G inverse belong to phi of G, such that phi of G dot phi of G inverse is equal to phi of G G inverse, which is equal to phi of E. This shows that phi of G inverse is inverse of phi of g in phi of g. Since phi of g satisfy all the properties of group, hence phi of g is a group as required. तो यही हमने प्रूव करना था कि किसी भी ग्रुप g का जो होमोमॉर्फिक इमेज है phi of g, वो भी एक ग्रुप होता है. So it is proved. Thank you.